कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो सुबह हो गई है और यहाँ पर जो वीडियो मैंने कंटिन्यू किया था उसको ही मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ सेक रही थी और ये देखिए मौसम बारिश के पूरे आसार हैं। तो यहाँ पर फटाफट से रोटी सेकने के बाद मैं करूँगी खाना, क्योंकि आज ना खाना लेट हो गया था। सुबह हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था रवा का, उसके बाद हम लोगों ने क्या कुछ खाया था, दलिया आई थिंक खाया था। फिर उसके बाद खाना, फिर से भूख लग रही थी तो ये 3 साढ़े 3 बज गए थे। तो यहाँ पर मैंने बनाई है फटाफट से रोटियाँ और ये लास्ट की रोटी थी। रोटी, सब्जी, दाल और चावल, इतनी चीज़ें बनाई थी। तो मैंने कहा चलो फटाफट से बना लेती हूँ, क्योंकि यार खाना जो होता है ना वो सबसे मेन होता है पूरे दिन घर में रहने का, सिर्फ और सिर्फ खाना मेन रहता है। तो मैं जब सुबह खाना बना लेती हूँ ना तो फिर मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं रहता, और शनिवार के दिन अगर सुबह नहीं बनाया ना तो फिर पूरे दिन का हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जब देवरानी जेठानी एक साथ रहती है तो जेठानी काम करती हैं देवरानी नहीं करती हैं, या देवरानी करती हैं जेठानी नहीं करती हैं। तो देखिए सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है, किसी की जेठानी बदतमीज़ होती है, किसी की देवरानी बदतमीज़ होती है। तो अगर मिलके दोनों भी काम करें तो फिर कैसा रहता है, काम हो जाता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, वैसे तो हम ज़्यादा साथ नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी हाँ मैंने मेरा अपना 100% दिया है। लेकिन सुनने में ऐसा आता है कि वो कुछ काम नहीं करती, मतलब मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, मैं आराम करती हूँ। अब ये जो खाना पीना हम बनाते हैं अपने घर पे, ये मेरे पड़ोसी बना के जाते हैं क्या, हम ही बनाते हैं ना? तो सब सब अपनी निगाह में सब अच्छा बनना चाहते हैं और दूसरा कोई है उसको हम गिराना चाहेंगे, ऐसा ही मुझे तो लाइफ ऐसा है। रिश्ता चाहिए जो खाना दोनों खा लेते पैदा तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बनाई है दाल, क्या है ये खट्टी दाल चाहिए उन्हें, तो ये बनाई है मैंने दाल। और यहाँ पर बनी है ये सब्जी, यहाँ पर बने हैं ये राइस, और यहाँ पर बनाई है रोटियाँ, सैलेड, प्याज, लल्ला लल्ला के पापा लल्ला की मौची। तो मैंने खाना बनाया फटाफट से, अभी मैंने खाया नहीं है, पूरी किचन साफ कर दी मैंने। ये देखिए देखिए पूरा गैस क्लीन कर दिया, ये अभी काकड़ी छील के गई बदतमीज, और ये पूरा गैस पूरा धुल दिया मैंने, बालकनी भी धुल दी अच्छे से। तो फ्रेंड्स मैंने किचन साफ कर दी और अब वो लोग खाना खा रहे हैं टीवी देख के, तो मैं भी खाना खा ली। और आज मैंने थोड़ी सी बड़ी बिंदी लगाई है क्योंकि ना ओहो इतनी तेज़ी से हवा चल रही है पूछो मत। ये डिब्बी मुझे मिली थी सुहागलों में, तो ये पहली बिंदी लगाई है मैंने, थोड़ा सा बड़ा साइज है लेकिन ठीक है अब इतना ही लगाया करूँगी। तो फटाफट से मैं खाना खा लेती हूँ फिर उसके बाद देखूँगी क्या काम करना है। आटा भी मैंने भर दिया है, मेरा काम ओके रहता है लेकिन मेरी बहनों का। सो हेलो गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हो घूमने? चार्केट है? चार्केट कौन सो? तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं घूमने, और मैंने ना चोटी की थी सुबह तो वो बाल देखो कैसे हो गए, इसलिए मैंने ये वाली ऐसी कर ली। तो मैं बिग बॉस की पोलोमी लग रही हूँ, पोलोमी पोलोमी पोलोमी, तो मैंने ऐसी चोटी कर ली क्योंकि बिना चोटी के ना बाल पूरे स्कूटी में बेकार हो जाते हैं। तो मैंने क्या पहना है वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। बिंदी भी छोटी लगा ली मैंने क्योंकि ज़्यादा बड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरा लल्ला भी जा रहा है। हाय कम, कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं तो मॉल जा रहा हूँ। मॉल? चलो फिर शूज पहन लो, लाओ मैं रख लेती हूँ। पहनो सूज। क्रीम लगा ली दो डैडी को। हैं? क्रीम लगा ली दो। पापा रुको, मैं क्रीम लगा के आ रहा हूँ। तो बहन मेरी आज पढ़ के ही मानेगी या फिर पढ़ाई? मैंने इसको बोल दिया या फिर पढ़ाई या फिर चूल्हा, तो उसने पढ़ाई चूज कर लिया क्योंकि पढ़ाई आराम रहता। मैंने इसको बोला पढ़ाई या चूल्हा, इसने कहा
पढ़ाई तो बहुत कर चुके, अब चूल्हा देखने दो क्योंकि जिंदगी में चूल्हा ही काम आएगा, पढ़ाई नहीं। तो फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ। अरे यार मुझे देखने दो, सुतरी आ रही हूँ। वाओ वाओ। तो दोस्तों हम लोग आए थे मार्केट, और ये लौटते टाइम का है, मार्केट गए थे और उसके बाद रास्ते का ये है। और बारिश इतनी तेज़ी से होने लगी थी जिसकी वजह से ना कुछ शॉपिंग हो पाया ना कुछ, लेना तो कुछ नहीं था, सिर्फ एक दो चीज़ें लेनी थी और वो भी नहीं मिल पाई क्योंकि बारिश के समय ना अगर आप मार्केट जाते हो ना तो आप सुबह निकलिए तो फिर तो अच्छा है, क्योंकि शाम के टाइम इतनी जल्दी अंधेरा होता है पता ही नहीं चलता। तो फिर अयांश भी साथ में था ना, तो इसकी वजह से मैंने कहा चलो अभी चलते हैं घर पे ही फालतू में। तो यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर ये ले रहे थे आम, क्योंकि आम थोड़े सही मिल रहे थे तो मैंने कहा चलो ले लीजिए। और भिड़ई बनाएंगे, मतलब जो दाल के पराठे होते हैं ना वो बनाएंगे। तो शिल्पा और ये दोनों ले रहे हैं। मुझे ना बारिश में बाहर निकलना और किचर पिचर में ऐसे करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं ना ज़्यादातर गाड़ी पर ही बैठी रहती हूँ। और वैसे तो मैं मार्केट जाती ही नहीं हूँ, अभी एक महीने तक मैं सब्जी लेने जाऊँगी नहीं, ये जो भी सब्जी लेकर आएंगे मैं बना लूँगी, क्योंकि ना मुझे किच पिच में बहुत ही गंदा लगता है, पता नहीं क्यों ऐसे मन ख़राब होता है मेरा। तो यहाँ पर ये रुक गए थे और शिल्पा को खानी थी पानी पूरी, तो पानी पूरी का पूरा पैकेट ले लेते हैं ना तो हम लोगों का बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि जब हम मार्केट से ख़रीदते हैं ना, और पता है बाहर का खाना ना मुझे अभी अच्छा नहीं लगता पता नहीं क्यों, मैं पहले भी नहीं खाती थी और अभी भी नहीं खाती, अब तो बिल्कुल भी नहीं खाती। पहले तो पानी पूरी खा लेती थी बाहर, एक पानी पूरी की शॉप थी वहाँ से, लेकिन अब तो मैं वहाँ से भी नहीं खाती हूँ जब से मैंने उसका रवैया देखा। अब मुझे जब लगता है ना तो मैं पानी पूरी पैकेट ले आती हूँ, लेकिन अभी तो मुझे पसंद ही नहीं है ना, मैं बाहर का कुछ खा रही हूँ और सिर्फ घर का खा रही हूँ। तो मैंने शिल्पा से बोला तुम ले लो यहाँ से पानी पूरी का पैकेट तो फिर कैसा सही रहेगा, और बाहर का जितना अवॉइड करो बारिश के मौसम में, क्योंकि हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, बाहर का लोग खा लेते हैं लेकिन कभी देखा है कि वो कैसे बनाते हैं कैसे खाते हैं, नहीं देखा। तो यहाँ पर हम लोग शॉपिंग करके आ गए और शिल्पा इतनी चालू थी तुरंत भग के आ गई कि अयांश होगा तो अयांश को गोदी लेके आना पड़ेगा, तो वो एकदम फटाफट से जल्दी से चढ़ के आ गई। और अयांश नीचे मटक मटक के आ रहा है क्योंकि ना उसको बोलता है मैं थक गया हूँ मुझे गोदी ले लो। तो यहाँ पर मैं जल्दी से आ गई, देखो नीचे से आ रहा है ना वो, तो ये देखिए मैडम अंदर हैं। तो अभी यहाँ पर ना ज़्यादा कुछ सामान लेकर आए नहीं थे और समय बहुत ज़्यादा हो गया था, मैं इनको बोल रही थी मुझे कुछ दिलाया नहीं, एक साड़ी ही दिलवा दो, तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें।